Hello students, in this video we'll start off with halogen derivative of alkenes. Now what do you mean by halogen derivative of alkenes? So alkenes are basically compounds which have general formula CnH2n+2. Okay, now is alkenes mein se maan lo ek aap ek hydrogen hata do aur ek hydrogen ke badle ek halogen atom add karo. तो आपका जो जनरल फॉर्मूला हो जाएगा दैट विल बी सी एन एच टू एन माइनस टू एन प्लस वन. आपने एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो प्लस टू के जगह पे अब ये बस प्लस वन होगा एंड आप एक हैलोजन ऐड कर दो. सो व्हेन यू ऐड जस्ट वन हैलोजन इसको कहा जाता है मोनो हैलोजन डेरिवेटिव. सो दिस इज मोनो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स. ओके, जिसको हम लोग शॉर्ट में अल्काइल हैलाइड्स कहते हैं. ये जो आपका अल्काइल ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप के लिए हम लोग हमेशा नॉर्मली आर ये यूज करते हैं. सो मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स आर रिटन एज रिप्रेजेंटेड एज आर एक्स. ओके, आप मान लो दो हाइड्रोजन हटा दो एंड दो हैलोजन उसके जगह पे ऐड कर दो तो यू विल गेट सी एन एच टू एन एक्स टू. This becomes your dihalogen derivative. वैसे ही you can have trihalogen derivative, you can have tetrahalogen derivative. So halogen derivatives क्या होता है? Basically आप alkenes में से hydrogen को हटाते जाओ and इस hydrogen के जगह पे आप halogens add करते जाओ. इन्हीं को हम लोग कहते हैं halogen derivative of alkenes. ठीक है? So I hope this is clear to you. What are halogen derivatives? Halogen derivatives basically are the compounds of alkanes in which hydrogen is replaced by halogen. अब there are four halogens जो हमें पता है. चार halogens कौन कौन से है? Fluorine, chlorine, bromine and iodine. These are the four halogens that we are talking about. Okay. So सबसे simple हैलोजन डेरिवेटिव कौन सा होगा? मीथेन होता है CH4. CH4 में से एक हैलोजन हटा दो तो ये हो जाएगा CH3X. सो दिस बिकम्स योर मिथाइल हैलाइड. ठीक है? अच्छा, उसके बाद मान लो इथेन होता है C2H6. C2H6 में से एक हाइड्रोजन हटा दो तो ये बन जाएगा C2H5 एंड इफ यू पुट X ओवर हियर this becomes your ethyl halide. Okay, now halide भी अगर जो fluorine होगा तो fluoride आपका होगा, chlorine होगा तो इवन से chloride, bromine होगा तो bromide, iodine होगा तो iodide. Okay, now next one is basically propyl halide. Propyl halide जो है ये propane से बनता. Now propane का जो structure होता है that is CH3CH2CH3. अब यहां से दो पॉसिबिलिटीज है. एक पॉसिबिलिटी तो यह है कि आप एंड के जो हाइड्रोजन है वहां से हाइड्रोजन हटाओ, एंड के जो कार्बन है वहां पे जो हाइड्रोजन है उनमें से एक हाइड्रोजन हटाओ एंड हाइड्रोजन ऐड करो. सो इफ यू रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम आइदर दिस कार्बन एटम और दिस कार्बन एटम व्हाट यू विल गेट इज CH3CH2CH2X. ओके, मैंने यहां से एक हाइड्रोजन हटा दिया है, ये जो हमारा एंड कार्बन है. मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, आप यहां से हटाओ या यहां से हटाओ इट विल नॉट मेक अ डिफरेंस. ओके, एंड सेकेंड पॉसिबिलिटीज, आप यहां से हाइड्रोजन हटाओ, आप यहां से हाइड्रोजन हटाओगे तो व्हाट यू विल गेट इज CH3CH CH3X. करेक्ट? So, ये दो पॉसिबिलिटीज बनती है ना. एक तो ये है कि आप एंड से हाइड्रोजन हटाओ तो दिस इज द कंपाउंड दैट यू विल गेट. ओके, एंड आप अगर जो सेंटर से हाइड्रोजन हटाओगे तो दिस इज द कंपाउंड दैट यू विल गेट. तो इसको लिखा जाता है हैलो प्रोपेन या प्रोपाइल हैलाइड. दिस बिकम्स योर प्रोपाइल हैलाइड. When we talk of this compound, because center वाले carbon पे आपने X attach किया हुआ है, this becomes your isopropyl halide.
सो इफ आई नाउ से आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, तो आप यहां आपको यहां पे क्लोरीन ऐड करना पड़ेगा. इफ आई से आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, तो आपको यहां पे ब्रोमीन ऐड करना पड़ेगा. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. ओके, अब वैसे ही ब्यूटेन के केस में कितने टाइप्स के हैलाइड्स हमें मिलेंगे, तो हमें ऑलरेडी पता है कि ब्यूटेन के दो स्ट्रक्चर्स होता है. पहला स्ट्रक्चर जो ब्यूटेन का होता है दैट इज स्ट्रेट स्ट्रक्चर CH3, CH2, CH2, CH3. ये लीनियर स्ट्रक्चर जो होता है इसको कहा जाता है एन ब्यूटेन. ओके, एंड दूसरा स्ट्रक्चर जो होता है दैट इज आइसो ब्यूटेन, दैट इज CH3, CH, CH3 एंड CH3. दिस इज आइसो ब्यूटेन. ओके, नाउ इसके अंदर दो पॉसिबिलिटीज है. आप हाइड्रोजन कहां से हटा सकते हो? इधर आप एंड कार्बन के जो हाइड्रोजन से उनमें से एक हाइड्रोजन हटा दो, तो मान लो मैं यहां से हटा दू तो वॉट इज गेट इज CH2X CH2 CH2 CH3. सो दिस बिकम्स योर ब्यूटाइल हैलाइड. एंड मान लो आप यहां से या यहां से जो हाइड्रोजन से उनमें से कोई एक हटाते हो, तो आपको कंपाउंड ऐसा कुछ मिलेगा CH3 CH2 CH X CH3. आई रिपीट इट, इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस. आप यहां से हटाओ या यहां से हटाओ, ये दोनों कार्बन सेम ही है ना, इक्विवेलेंट ही है. सो दिस वुड बिकम योर सेक ब्यूटाइल हैलाइड. सेक इसलिए क्योंकि ये वाला जो कार्बन एटम है इट इज अटैच टू टू मोर कार्बन एटम्स, सो दिस इज 2 डिग्री. ठीक है, सो एन ब्यूटेन को यूज करके आपको दो अलग टाइप के ब्यूटाइल हैलाइड्स मिल सकता है. एक तो ये स्ट्रेट वाला विच इज कॉल्ड एज ब्यूटाइल हैलाइड या फिर सेक ब्यूटाइल हैलाइड. वैसे ही आइसो ब्यूटेन को आप यूज करते हो, तो आइसो ब्यूटेन को यूज करके भी आपको दो टाइप के हैलाइड्स मिल सकता है. नाउ आइसो ब्यूटेन के लिए ये कार्बन इट इज अटैच टू 3 CH3 ग्रुप्स. ये तीनों CH3 ग्रुप्स जो है वो इक्विवेलेंट है. तीनों अगर जो इक्विवेलेंट है तो तीनों पे जो हाइड्रोजन है ये भी इक्विवेलेंट ही हुए. अब ये अगर जो हाइड्रोजन इक्विवेलेंट हुए तो आप इनमें से कोई भी एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो, इट वुड बी द सेम थिंग, फर्क नहीं पड़ेगा. व्हाट आई मीन इज ये हाइड्रोजन्स एंड ये हाइड्रोजन ये इक्विवेलेंट ही है. सो व्हाट यू गेट इज CH3 CH CH2X CH3. ओके, सो आप जब यहां से यहां से या यहां से इन तीनों में से कहीं से भी हाइड्रोजन हटाओगे तो जो आपको कंपाउंड मिलता है दिस बिकम्स योर आइसो ब्यूटाइल हैलाइड. एंड मान लो ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये कार्बन पे जो हाइड्रोजन है, अगर जो इसको आप हटाते हो तो व्हाट यू गेट इज सी, इट इज अटैच टू 3 CH3 ग्रुप्स. 1, 2, 3 CH3 ग्रुप्स एंड यहां पे हाइड्रोजन. नाउ ये जो आपका ग्रुप है, ये कार्बन एटम, दिस इज अ 3 डिग्री कार्बन एटम, सो दिस बिकम्स योर टर्शियरी ब्यूटाइल हैलाइड. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. सो दीज आर द बेसिक टाइप्स ऑफ हैलाइड्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर अस. मिथाइल हैलाइड सिंपल है, इथाइल हैलाइड सिंपल है. प्रोपेन से जो दो हैलाइड्स मिलते हैं ये दो टाइप्स के होता है. अच्छा, ब्यूटेन से जो आपको हैलाइड्स मिलेंगे वो 4 टाइप्स के होंगे. 1, 2, 3, 4. ओके फाइन. नॉर्मली पेंटाइल हैलाइड, आइसो पेंटाइल हैलाइड, नियो पेंटाइल हैलाइड ये इतने काम नहीं आते. दीज आर द मोर कॉमन हैलाइड्स दैट विल बी यूजिंग. ओके, नाउ वंस यू नो दिस, इनके स्ट्रक्चर्स दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप खुद से बुक में बनाना एंड आप इन स्ट्रक्चर्स को याद रखना. ओके, अब ये जो अल्काइल हैलाइड्स होता है, दीज आर बेसिकली आर मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स. ओके, नाउ
These monohalogen derivatives can be further classified into different types: 1 degree, 2 degree, and 3 degree alkyl halides. 1 degree alkyl halide, 2 degree alkyl halide, 3 degree alkyl halide. Now I will give you an example, just as CH3, CH2, Cl. यहाँ पे ये जो हैलोजन आटम है ये इस कार्बन आटम को अटैच्ड है ना. ये हैलोजन जिस भी कार्बन को अटैच्ड होता है उसको हम लोग कहते हैं अल्फा कार्बन. सो दिस बिकम्स योर अल्फा कार्बन. नाउ दिस अल्फा कार्बन दिस इज अटैच्ड टू ओनली वन कार्बन आटम. सो बिकॉज दिस इज अटैच्ड टू वन कार्बन आटम दिस बिकम्स योर 1 डिग्री कार्बन आटम. एंड इसलिए ये कंपाउंड को 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड कहा जाता है. 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड विल बी दिस CH3 CH, let's say Br, CH3. You can see that this is similar to this propane structure है and बीच वाले कार्बन आटम पे हैलोजन है. So this becomes your isopropyl bromide. यही नेम यूज किया है, isopropyl bromide. Now यहां पे ये वाला कार्बन आटम अल्फा हुआ. Now this is attached to two more carbon atoms. So that is why this becomes a 2 degree alkyl halide. This becomes a 1 degree alkyl halide. I hope this is clear to you. 3 degree alkyl halide ka example would be, let's say you have this CI CH3 CH3 CH3. Now yahan pe ye wala ye na is tarah ka structure hua na. So this becomes your tertiary butyl iodide. एंड यहां पे ये आपका अल्फा कार्बन हुआ क्योंकि आयोडीन इसको अटैच्ड है. एंड दिस इज अ 3 डिग्री कार्बन आटम. सो दैट इज व्हाई दिस बिकम्स योर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड. सो नाउ अल्काइल हैलाइड्स कैन बी क्लासिफाइड एज 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ अल्फा कार्बन. या अल्फा कार्बन के बेसिस पे हम लोग ये डिसाइड करते हैं. फाइन. ओके. Now the next thing that we will start is, before we do that, there are few more types of alkyl halides which are important for us. Okay. So, सबसे पहले तो देखते हैं benzyl group. When I say benzyl group, ये benzyl group होता है benzene ring. Benzene ring के ऊपर आप CH2 add करो तो ये हो जाता है benzyl group. यहां पर आप halogen add करोगे तो this becomes your benzyl halide. ठीक है. उसके बाद आता है विनाइल हैलाइड. सो विनाइल इज बेसिकली मान लो सी डबल बॉन्ड सी है दिस इज, एंड ये डबल बॉन्डेड कार्बन आइटम पे जब कोई हाइड्रोजन होता है दिस बिकम्स योर विनाइल हैलाइड. ओके. उसके बाद आता है अलाइलिक हाइड्रोजन. अलाइलिक हाइड्रोजन क्या होगा? सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी. मान लो दिस एक्स. नाउ ये कार्बन आइटम एंड ये कार्बन आइटम दे आर फॉर्मिंग अ डबल बॉन्ड. बट दिस कार्बन आइटम इज नेबरिंग टू दिस ना, एंड दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड. तो ये कार्बन आइटम को हम लोग कहते हैं अजाइलिक कार्बन. दिस बिकम्स योर अजाइलिक कार्बन. ओके. इसी को अजाइलिक कार्बन पे जब कोई हाइड्रोजन अटैच्ड होता है तो दिस वुड नाउ बिकम योर अजाइलिक हैलाइड. ओके. बट इससे और इसके कंपैरिजन में दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, दैट इज आर बेंजाइलिक हैलाइड. प्लीज रिमेंबर दिस. ओके. नाउ वंस यू हैव अंडरस्टूड दिस, ओके, विल स्टार्ट ऑफ विथ IUPAC नेमिंग. ओके. नाउ IUPAC नेमिंग स्टार्ट करने से पहले देर आर टू मोर टाइप्स ऑफ हैलाइड जो आपको याद रखना है. वन आर योर जेमिनल डायहैलाइड्स. ये डायहैलाइड्स की मैं बात कर रहा हूं, विच आर डायहैलोजन डेरिवेटिव्स. सो जेमिनल डायहैलाइड ये हम लोगों ने लास्ट ईयर अल्कीन्स में पढ़े थे. जेमिनल डायहैलाइड क्या होता है कि मान लो एक ही कार्बन आइटम पे जब दो हैलोजन्स अटैच्ड होते हैं इनको हम लोग कहते हैं जेमिनल डायहैलाइड्स. ओके. So when two halogen atoms are present on the same carbon atom, this becomes your geminal dihalide. When
टू हैलोजन एटम्स दे आर प्रेजेंट ऑन द नेबरिंग कार्बन एटम्स, जैसे मान लो ऐसा कुछ है, दिस इज एक्स दिस इज एक्स, इसको हम लोग कहते हैं विसिनल डायहैलाइड, दिस बिकम्स योर विसिनल डायहैलाइड। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। ये विसिनल डायहैलाइड्स हो गए। जेमिनल डायहैलाइड्स में दोनों हैलोजन आर ऑन द सेम कार्बन एटम। सो ये जो सारे हम लोगों ने स्ट्रक्चर्स बनाए हैं अब तक, ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको याद रखना है। नाउ व्हाट वी विल डू इज विल स्टार्ट ऑफ विथ आईयूपीएसी नेमिंग। नाउ आईयूपीएसी नेमिंग कैसे की जाती है और यहां पे रूल्स क्या होता है? रूल्स बहुत ही सिंपल से होता है। आपको ना लॉन्गेस्ट चेन जो है वो आइडेंटिफाई करनी है, एंड वंस यू आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट चेन, फिर आपको नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करनी है जहां से हैलोजन एटम्स पास में आता है। ओके, आप हैलोजन एटम्स को आप सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह ही ट्रीट करोगे। सो हम लोग कुछ कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए। So first example is, let's say you have the CH3, CH2, CH, CH3, okay? And यहाँ पे मान लो ब्रोमीन है। तो हम लोगों ने ये स्ट्रक्चर पहले देखा हुआ है एंड इसको हम लोग सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड कह सकते हैं, बट दैट इज नॉट IUPAC नेम, दैट इज अ कॉमन नेम। IUPAC नेमिंग करने के लिए आपको लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई करनी है। सो हमारी जो लॉन्गेस्ट चेन है वो तो ये है, दिस बिकम्स आवर लॉन्गेस्ट चेन। नाउ नंबरिंग जो है आप राइट हैंड साइड से स्टार्ट करोगे क्योंकि ब्रोमीन यहां से पास में आ रहा है। सो दिस इज 1, 2, 3, 4। सो दिस बिकम्स आवर, आप इसको लिखते कैसे हो वो देखो। सेकेंड पे ब्रोमीन है तो ब्रोमीन को लिखा जाता है ब्रोमो। सो दिस बिकम्स योर 2 ब्रोमो, एंड चार कार्बन एटम्स है सो दिस बिकम्स ब्यूटेन। सो दिस बिकम्स योर 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल करता है। अब ये इतने एग्जाम्पल्स हैं, हम लोग ये एक एक एग्जाम्पल करते जाएंगे ताकि IUPAC नेमिंग बहुत ही क्लियर हो जाए आपको। नाउ दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल। अब इसकी IUPAC नेमिंग करनी है हमें। नाउ यहां पे दो चीजें आती है, एक तो ये ब्रोमीन एटम है एंड सेकेंड वन इज बेसिकली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। सो दिस इज डबल बॉन्ड एंड दिस इज ब्रोमीन। नाउ प्रायोरिटी हमेशा डबल बॉन्ड को दी जाती है क्योंकि डबल बॉन्ड जो होता है ये फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करता है। तो आप ये साइड से अगर जो नंबरिंग स्टार्ट करोगे तो 1, 2, 3 थर्ड कार्बन एटम पे डबल बॉन्ड आ रहा है। आप ये साइड से स्टार्ट करोगे तो 1 एंड 2 सेकेंड कार्बन एटम पे ही डबल बॉन्ड आ रहा है, तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी 1, 2, 3, 4, 5। ओके, नाउ फोर्थ पे ब्रोमीन है सो आई राइट दिस एज 4 ब्रोमो। ओके, दिस इज पेंट PENT -2-ईन, सेकेंड पे डबल बॉन्ड है इसलिए। सिमिलरली आप यहां पे देखो, सी आप यहां से ये नंबरिंग करते तो ब्रोमीन यहां से पास में आता, बट आप प्रायोरिटी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को दोगे। सिमिलरली आप यहां पे देखोगे तो यहां पे जो प्रायोरिटी है दैट विल अगेन बी गिवन टू द डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड यहां से पास में आ रहा है सो दिस विल बी 1, 2, 3, 4। ओके, नाउ देयर आर 2 ब्रांचेस, वन इज ब्रोमीन, सेकेंड वन इज CH3। CH3 इज मीथाइल, दिस इज ब्रोमो, बी एम से पहले आता है तो आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करोगे। सो दिस विल बी 3 ब्रोमो, 2 मीथाइल, ये ब्यूट होगा सो ब्यूट -1-ENE ब्यूटी। उसके बाद यहां पे आपको स्ट्रक्चर बनाना है, 4 टर्शियरी ब्यूटाइल, 3 आयोडो हेप्टेन। अब इसका स्ट्रक्चर आप कैसे बनाओगे? हेप्टेन है ना, तो मतलब 7 कार्बन एटम्स होंगे। सो 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Now once you have 7 carbon atoms, पहले ही numbering कर दो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. अब हमें पता है कि फोर्थ पे टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है. सी आप जब नेमिंग करते हो ना तो हाँ टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप. सो टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप इज दिस CH3. थ्री पे आयोडो है सो दिस इज थ्री. यहाँ पे आयोडीन मैं ऊपर बना देता हूँ. थ्री पे आयोडो एंड हेप्टेन. बाकी अब आपको हाइड्रोजन पुट करना है. आप हाइड्रोजन आपको पता है कि एवरी कार्बन शुड फॉर्म फोर बॉन्ड्स. ये वाला कार्बन एक ही बॉन्ड बना रहा है तो तीन हाइड्रोजन चाहिए होंगे. सो दिस विल बिकम CH3. दिस विल बी CH2. दिस विल बी CH CH CH2 CH2 CH3. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. अच्छा सिमिलरली नेक्स्ट इज दिस. अब इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा. सी C6H4 ये बेंजीन रिंग. C6H6 ये बेंजीन रिंग होती है एंड P पैरा पोजिशन रिप्रेजेंट करता है. तो ये आपका मेन स्ट्रक्चर हुआ. एक साइड पे ये है आपका दिस एंटायर थिंग. दिस इज बेसिकली CH2. दिस इज CH एंड इस पे दो CH3 है. लेट्स से वन CH3 ओवर हियर, वन CH3 ओवर हियर एंड पैरा पोजिशन पे यू हैव क्लोरीन. नाउ इसको हमें पता है ये ऑर्थो होता है, ये मेटा होता है एंड दिस इज पैरा. सो पैरा पे यू हैव क्लोरीन. ओके नाउ इन दिस केस हाउ विल यू डू द नेमिंग. नाउ यहां पे ये जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पे दो ग्रुप्स अटैच्ड है. एक क्लोरीन है एंड एक ये बड़ा ग्रुप है. इफ यू आइडेंटिफाई दिस यू हैव 1, 2, 3 and 4 कार्बन एटम्स. तो ये ब्यूटाइल हो गया. उसमें भी सेकेंड कार्बन एटम पे CH3 ग्रुप है तो ये आइसो ब्यूटाइल हो गया. सो यू हैव आइसो ब्यूटाइल ग्रुप एंड यू हैव क्लोराइड या क्लोरो ग्रुप. सो वन इज आइसो ब्यूटाइल एंड सेकेंड वन इज क्लोरो. ओके नाउ आइसो ब्यूटाइल ग्रुप आप अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करोगे. किसी एक को प्रायोरिटी आप ऐसे ही नहीं दे सकते. आप कैसे डिसाइड करोगे. सो यू विल फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर. दिस इज सी. यू विल कंपेयर इट विथ आई. ओके नाउ सी पहले आता है तो दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट. नंबरिंग ऐसे होगी. दिस वुड बी नंबर वन, ये टू, ये थ्री. दिस विल बी नंबर फोर. सो यू राइट दिस एज वन क्लोरो, फोर आइसो ब्यूटाइल बेंजीन. ये नहीं होता तो बस इसका नाम होता क्लोरो बेंजीन. बट बिकॉज ये ग्रुप आ गया तो आप उस ग्रुप को मेंशन कर रहे हो. ठीक है नेक्स्ट एग्जांपल इज दिस. सो इसमें दो कार्बन एटम्स है, 1, 2. यहां पे ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन एंड इस कार्बन एटम पे फ्लोरीन, फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन. ओके अब आप नंबरिंग कौन से साइड से स्टार्ट करोगे. सी फ्लोरीन, 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 क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारे आप सब्स्टिट्यूएंट्स है. ये बेसिकली ये नहीं होते तो इनके जगह पे हाइड्रोजन्स होते हैं ना. तो हम लोगों ने हाइड्रोजन्स को हटा के इन सब लोगों को यहां पे लाया हुआ है. ओके नाउ इस कार्बन पे बेसिकली तीन सब्स्टिट्यूएंट्स है, इस कार्बन पे दो सब्स्टिट्यूएंट्स है. तो आप इसका नेमिंग कैसे करोगे, कौन से साइड से नंबरिंग स्टार्ट करोगे. सी नंबरिंग यहां से स्टार्ट करते हो तो सब्स्टिट्यूएंट्स कैसे आता है, 1, 1, 2, 2, 2. इफ यू स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड देन यू वुड हैव 1, 2. सो यू विल डू अब के सब्स्टिट्यूएंट्स ऐसे आ रहे हैं ना, 1, 1, 2, 2. एंड आप इस साइड से, सो आई राइट इट ओवर हियर, 1, 1, 2, 2. एंड वही अगर जो आप ये साइड से नंबरिंग करते हो तो दिस विल बी 1, दिस विल बी 2
तो सब्स्टिट्यूएंट्स कैसे आएंगे? फर्स्ट कार्बन पे तीन है, 1,1,1,2,2। इफ यू सी ओवर हियर, ये और ये सेम है, वन, ये और ये, वन और वन, ये सेम है, बट यहां पे टू आ रहा है और यहां पे वन आ रहा है ना, तो जितना वो सब्स्टिट्यूएंट का नंबर छोटा उतना बेटर है, लोकेंड का नंबर जितना छोटा उतना बेटर है, तो दिस बिकम्स योर करेक्ट वे ऑफ नंबरिंग। सो इफ दिस इज द करेक्ट वे ऑफ नंबरिंग, सो दिस इज योर कार्बन एटम वन, दिस इज योर कार्बन एटम टू। आप नेमिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर थ्रू ही करोगे, वन पे ब्रोमो है तो वन ब्रोमो, उसके बाद वन पे क्लोरो है, वन क्लोरो, उसके बाद वन पे फ्लोरीन और टू पे दो और फ्लोरीन है, सो 1,2,2 ट्राई फ्लोरो, दो कार्बन एटम्स है, तो दिस विल बिकम इथेन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ये हम लोगों ने कैसे किया हुआ है। सिमिलरली यहां पे भी आप कैसे नंबरिंग करोगे? सी यहां पे हैलोजन है, यहां पे हैलोजन है, एंड ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड को आप हमेशा ज्यादा प्रायोरिटी दोगे, जैसे यहां पे डबल बॉन्ड को हमने प्रायोरिटी दी है वैसे। अब ये साइड से नंबरिंग स्टार्ट करते हो तो 1,2, सेकेंड कार्बन एटम पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, यहां से नंबरिंग स्टार्ट करते तो 1,2, वापस सेकेंड कार्बन एटम पे ही ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो कोई भी एंड से स्टार्ट करो ट्रिपल बॉन्ड को तो सेम नंबर मिल रहा है। तो फिर अब आप सब्स्टिट्यूएंट्स पे जाओ, यहां पे सब्स्टिट्यूएंट फर्स्ट कार्बन एटम पे ही आ रहा है, यहां से आप स्टार्ट करोगे तो भी ये सब्स्टिट्यूएंट फर्स्ट कार्बन एटम पे ही आ रहा है, तो वो भी सेम है। तो उसके बाद अब आप देखोगे कि सब्स्टिट्यूएंट में आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखोगे, दिस इज ब्रोमीन, दिस इज क्लोरो, बी पहले आता है तो बी को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, सो दैट इज व्हाई योर नंबरिंग वुड बी 1,2,3,4। हाउ विल बी राइट दिस? वन पे यू हैव ब्रोमो, सो वन ब्रोमो, यू हैव फोर क्लोरो, 1,2,3,4 ब्यूट डैश टू ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE। सो आई होप नाउ यू नो हाउ टू डू द IUPAC नेमिंग। अब आप लोग अपने टेक्स्ट बुक्स में से बहुत सारे एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करो, जो नोट्स हैं उन नोट्स में से आप एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करो, ठीक है? एंड वॉट एवर डाउट्स यू हैव यू कैन जस्ट मैसेज मी दोज डाउट्स, फाइन? थैंक यू, विल स्टॉप ओवर हियर, इन द नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट ऑफ विथ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन।